30 अक्टूबर को होने वाले इलाहाबाद उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को इनेलो सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपने चुनावी रथ में सवार होकर इलाहाबाद विधानसभा के गांवों में अपने प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। ओम प्रकाश चौटाला ने गांव उम्मीदपुरा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। ओम प्रकाश चौटाला इलाहाबाद हल्के के कई गाँव के दौरा करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला इलाहाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा करेंगे और जहां ओम प्रकाश चौटाला ने ग्रामीण और किसानों का हालचाल पूछा। गांव उम्मीदपुरा में चौटाला ने लोगों से वोट की अपील भी की। इलाहाबाद हल्के के लोग सामूहिक तौर पर निर्णय लियो, अभय सिंह ने चुनाव मैदान में उतारा, मैं तो थारी हाजिरी लगाना आयो, उम्मीदपुर तो मारो मजबूत गढ़ रही है सदा और मैं आप मान के चालूंगा। तीसरी पीढ़ी में थे और ज्यादा तकड़ा हो गया लागू, फसल फसल ठीक है, तो बारिश हो गई, नुकसान हो गया, चलो तो देगे खोसन वाली बात, राज बना ले तो नुकसान सारो पूरा करा देना। तो मैं भी चक्कर हम तो हमेशा ही आपके साथ में रहे जी, तो सब मेरी हाजिरी मान लीजिए, मैं तो थारे हिसाब हूँ, थारा वोट मांगना है, थारो फैसलो है, फैसलो ठेक रहे है, तू पर फूल चढ़ाने मेरे खाए, एक वाई तो धन दे के जाऊँ, राज बना लियो, फिर सारा खोटवा कर दूँगा सारा, कोई किसम दो। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि गांव उम्मीदपुरा से इनेलो उम्मीदवार बड़ी लीड लेंगे। उन्होंने कहा किसानों से विचार विमर्श करने के बाद ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था और विचार विमर्श करने के बाद ही दोबारा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा सत्ता में आने के बाद किसानों की फसल से संबंधित समस्या खत्म कर दी जाएगी। पूर्व सीएम ने इनेलो कार्यकर्ताओं को चुनाव में जोर शोर से जुटने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल इनेलो ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, लेकिन इलाहाबाद के चुनाव में कौन जीतेगा और किसके सिर इलाहाबाद का ताज होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज़, सिरसा।